क्या आपको पता है जो आप सोलर वाटर हीटर, सोलर पावर सिस्टम, सोलर स्ट्रीट लाइट और भी कोई सोलर के प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप इससे अपना दो फायदा करवाते हो। पहला तो ये है कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल जीरो या तो बहुत ही कम कर लेते हो। इसके अलावा भी आप एक और फायदा कर रहे हो। आज के इस वीडियो में हम उस दूसरे फायदे के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है हमारे देश में, उसमें से 75% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोयले को जलाकर बनाई जाती है। अब इस कोयले को जलाने की वजह से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे एटमॉस्फेयर को खराब करते जा रहा है, पोल्यूट करते जा रहा है। आप सोलर के प्रोडक्ट यूज करके इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को फैलने से कम कर रहे हो। इसके लिए सरकार आपको रिवॉर्ड देने जा रही है। ये रिवॉर्ड पैसे के फॉर्म में नहीं होगा, जबकि ये क्रेडिट के फॉर्म में होगा, और इसी क्रेडिट को बोलते हैं हम कार्बन क्रेडिट। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि कार्बन क्रेडिट होता क्या है, इससे आप फायदा कैसे कर सकते हो। आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। Weather warnings and acid rain alert is in effect. So in 1990, the American government launched an experiment, passing a law to force polluters to pay for their emissions by establishing a new kind of market, governed by a system called cap and trade. Which is a market-driven process, therefore you can actually almost get permission to pollute if you were actually want to offset one ton of carbon dioxide or carbon dioxide equivalent of gas. Companies are driven by money. So putting a price on carbon emissions should encourage businesses to stop polluting, right? Carbon prices have been far too low to motivate change that's needed to decarbonize the world economy. 1997, the International Climate Change Treaty, known as the Kyoto Protocol, suggested applying the concept of cap and trade to carbon. In the years that followed, different countries and regions set up their own carbon markets. Many of these used cap and trade. To tackle climate change, carbon trading has become the policy instrument of choice among governments. The entire system of carbon credit began. It actually gave permission for people to accumulate credit points. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और सोलर क्लू में आपका स्वागत है। कई सालों से हमारे इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या तो हमारे नॉर्मल व्हीकल्स भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते ही जा रहे हैं। इसको काउंटर करने के लिए भारत सरकार ने अपना ध्यान रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ओर किया है, लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि सोलर प्रोडक्ट्स का इंस्टॉलेशन करना, उसे परचेस करना कंपलसरी नहीं है, जिसके वजह से एक आम आदमी या कोई भी इंडस्ट्री उसको सीरियसली नहीं ले रहा और सोलर इंस्टॉलेशन नहीं कर रहा। इसीलिए भारत सरकार और कई देशों ने मिलकर एक रूल बनाने की कोशिश किया है, जिसे एक आम आदमी और इंडस्ट्रीज को फॉलो करना ही होगा। अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया तो उसे पेनल्टी लगा दी जाएगी। कार्बन क्रेडिट एक सर्टिफिकेट है। कार्बन क्रेडिट एक लिमिट सेट कर देगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंडस्ट्री या आम आदमी को, और ये इतना डिसाइड करा देगी कि आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकते हो। अगर आप इससे ज्यादा रिलीज करने की कोशिश करोगे या आपने किया तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। एक टन कार्बन एमिशन एक कार्बन क्रेडिट के बराबर होता है। मान लीजिए किसी एक कंपनी को सरकार ने 5 कार्बन क्रेडिट दिए हैं, इसका मतलब वो 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा रिलीज नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके एरिया में और आपके सोसाइटी में सरकार ने एक रूल बनाया है कि आप 5 बैग कचरे से ज्यादा एक हफ्ते में नहीं निकाल सकते अपने घर से, और किसी एक हफ्ते में आपका 7 बैग का कचरा निकल रहा है, आपको उस 2 बैग कचरे के लिए पेनल्टी भरनी पड़ेगी सरकार को, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू में होगा और एक रिमार्क पे बैठ जाएगा आपके ऊपर। तो इससे बचने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तो यह तरीका है कि आप ऐसे आदमी को ढूंढिए जिसके पास 3 या 3 से कम बैग कचरा निकल रहा हो। आप उससे उस 2 कचरे के बैग का क्रेडिट ले सकते हैं और उसके बदले आप उसे कुछ पैसे दे सकते हैं जो कि गवर्नमेंट रेट से कम हो। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपसे सरकार 2 बैग के लिए 100 100 रुपीस
चार्ज कर रही है, मान लीजिए आपसे 200 रुपए चार्ज कर रही है, तो आप उस आदमी को 50-50 रुपए यानी 100 रुपीज दे के अपना पेनल्टी कम भी करवा सकते हैं और आप अपना रिमार्क लगाने से भी बच जाएंगे। ये तो रहा पहला तरीका। इसके अलावा और एक बेटर तरीका है, आप अपने घर में सोलर पावर प्लांट या सोलर के कोई भी प्रोडक्ट्स लगाएं, जिसके वजह से सरकार आपको और कार्बन क्रेडिट दे या आपको और क्रेडिट देगी और आप कचरा फेंक सकते हैं ज्यादा। तो इससे क्या होगा कि आपको क्रेडिट बढ़ के 7 हो जाएगा, यानी कि आप हफ्ते में 7 कचरे का बैग फेंक सकते हैं, आपको इसमें पेनल्टी भी नहीं भरनी पड़ेगी। अब हमने इस एग्जाम्पल से समझा कि कार्बन क्रेडिट्स के क्या फायदे हैं, लेकिन हमें अब ये समझना है कि हम इससे बेनिफिट ले कैसे सकते हैं। कार्बन क्रेडिट्स ट्रेडेबल होते हैं, यानी अपने आप अपना कार्बन क्रेडिट को सेल भी कर सकते हैं और अगर आपको जरूरत है तो आप खरीद भी सकते हैं। आप सेल कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्री, ये सब आपसे खरीदेंगे। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा। सरकार ने अगस्त 2022 में यह अनाउंस किया था कि ऐसे मार्केट प्लेस या तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स खुलेंगी जो कार्बन में ट्रेड करेंगी। इससे आपको तो फायदा होगा ही होगा, उन लोगों को भी बहुत फायदा होगा जिनको ये कार्बन क्रेडिट खरीदने हैं। जिसकी इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसका तो सरल से आंसर आप समझ रहे हो कि उन्हें क्यों फायदा होने वाला है। आपको सोलर प्रोडक्ट्स लगाने से कैसे फायदा होने वाला है ये हम समझते हैं। मान लीजिए आपने 2 साल पहले 2 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगाया था अपने घर पे। अब 2 साल बाद प्रेजेंट कंडीशन में एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की तरफ अगर देखें तो आपने 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड बचाया है। इसके लिए सरकार आपको 2 कार्बन क्रेडिट देगी, 2 नंबर्स। अब इस 2 कार्बन क्रेडिट को आप मार्केट में बेच सकते हो, जिसके लिए आप कमा सकते हो। कार्बन क्रेडिट्स को पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और इनका प्राइस डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड पर। गवर्नमेंट को यह फायदा है कि वो कार्बन का एमिशन कंट्रोल कर पाएगी और आम आदमी को यह फायदा है कि वो एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है। हाल ही में सरकार ने इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग पर रोक लगा दी है, क्योंकि ज्यादा कमाने के लिए कार्बन क्रेडिट इंटरनेशनल मार्केट में सेल होगा और अपना देश अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगा। भारत का मोटिव है कि वो 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन करके और अगले 10 साल में 10 लाख टन कार्बन देश में कम करे। फिलहाल कार्बन क्रेडिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडस्ट्रीज लेवल पे ही सीमित है, ये आम आदमियों के लिए भी थोड़े समय में खुलने वाली है। गवर्नमेंट इस पे पॉलिसीज बना रही है, जैसे ही इसकी पॉलिसीज बनती है तो सोलर क्लू एक ऐसी वेबसाइट होगी, वन ऑफ द फर्स्ट, जो कार्बन रिलेटेड ट्रेडिंग मार्केट या प्लेटफॉर्म खोलेगी। आप उसमें आके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मान लीजिए आपने अपने घरों पे सोलर प्रोडक्ट, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर वाटर हीटर, सोलर पावर या सोलर के कुछ भी या कोई भी रिन्यूएबल प्रोडक्ट आपने अपने घरों और इंडस्ट्रीज में लगा रखा है, तो आप इस पे आके अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए नीचे दिए हुए पिन कमेंट पे, और हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे इसपे। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर आप एक इंडस्ट्री हो, आपको कार्बन क्रेडिट खरीदने का मन है, तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे। सोलर क्लू चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।